जनपद में पुलिस ने दो अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का खुलासा करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। जनपद संबल थाना क्षेत्र असमोली व बनिया ठेर में पुलिस ने छापा मारकर शस्त्र बनाने की दो फैक्ट्री पकड़ी। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही कर जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने गुरुवार को कोतवाली संबल में अवैध शस्त्र फैक्ट्री के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थाना असमोली व बनिया ठेर पुलिस को क्षेत्र के जंगल में अवैध शस्त्र बनाने की जानकारी हुई, जिस पर असमोली थाना प्रभारी रणवीर कुमार व बनिया ठेर थाना प्रभारी विकास सक्सेना ने पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्र में छापा मारा। छापे के दौरान तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बनिया ठेर थाना क्षेत्र के ग्राम मुंडी मिल्क निवासी श्वेत पुत्र छोटे को असमोली से गिरफ्तार किया गया, जबकि इसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। वहीं बनिया ठेर थाना क्षेत्र मोहल्ला बंजारी कुआ नरोली निवासी मोहम्मद शफी पुत्र बदलू और कामिल पुत्र शाबिर को बनिया ठेर के जंगल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मौके से अवैध शस्त्र और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। वे लोग अवैध शस्त्र बनाकर आसपास के गांवों में बेचते थे। प्रधानी के चुनावों में अपने द्वारा बनाए गए शस्त्र खपाने के जुगाड़ में थे। सर, आज जो ये शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा हुआ, क्या पूरा मामला है? कि जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दो थाना क्षेत्रों में शस्त्र बनाते हुए पकड़े गए हैं लोग, जिसमें दो शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, एक थाना असमोली में और एक थाना बनिया ठेर में। थाना असमोली क्षेत्र में ग्राम भैसोड़ी वाले रास्ते पर अधबने और बने तमंचों की एक फैक्ट्री, जिसमें एक सुएब नाम का व्यक्ति बनाता था और इसका एक साथी मौके से फरार हुआ। ये और थाना बनिया ठेर के ग्राम जंगल मऊ असल में वहाँ पे एक फैक्ट्री बना रहे थे, इन सभी को पकड़ा गया है। यहाँ से दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, मोहम्मद सफी और मोहम्मद कामिल, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 21 बने और एक अधबना और तमंचा बंदूक ये बरामद किए गए हैं, और इसी के साथ पूरी फैक्ट्री बनाने का जो सामान है वो बरामद हुआ है। इनको पूरा शस्त्र बनाने का लगातार ये लोग काम कर रहे थे, जिसमें ये लोग ऑन डिमांड सप्लाई करते थे बना करके। राइफल 20,000 में, 12 बोर तमंचा 4,000 रुपए में, 315 बोर 5,000 रुपए में और बंदूक करीब 13,000 रुपए में बना करके बेचते थे। लगातार आने वाले समय में इनका प्रयोग किया जाना था, जिसको पुलिस ने पकड़ा है। अब इन सभी को जेल भेजा जा रहा है।